मैदान चौरसिया है और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। भारत का नया गेम है आइन बॉल, उसका सेकंड चैंपियन डिस्ट्रिक्ट चैंपियन जो है खगड़िया के रहमपुर में उद्घाटन करने पहुंचे हैं जन अधिकार पार्टी के किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष व खगड़िया के पूर्व नगर सभापति जो है मनोहर यादव जी हैं, जो युवाओं के काफी चहेते होते हैं। खगड़िया में कोई भी खेल आयोजन हो और मनोहर यादव उद्घाटन करने नहीं पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मनोहर जी, आप युवाओं के प्रति काफी जो है रहते हैं, निकाय बने रहते हैं, उनके पास कोई भी खेल होता है आपको ही क्यों बुलाता है, क्या रीजन है? युवाओं के साथ हमेशा, देखिए इस देश का जान है, शान है युवा, और जिस देश में युवा, अभी देखिए जहाँ युवा नहीं है, कई देश में युवाओं की कमी हो गई है और वो देश मृत प्राय विक्रय हो गया है। तो हमारा देश जो का शान है, मजबूती है देश का, जो ये एक हमेशा उत्सव की तरह भारत में माहौल रहता है, इसका जड़ में युवा है। यूथ ही किसी भी देश के निर्माण में, किसी भी देश के उन्नति और समाज की उन्नति में युवा का ही रोल अहम रहता है। इसलिए युवाओं के बीच, युवाओं के उत्साह वर्धन के लिए हम लोग जहाँ भी प्रयास करते हैं, जहाँ भी बुलाता है वहाँ जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, काफी उसके अंदर ऊर्जा रहती है, एनर्जी मिलता है, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता अपने आप को। निश्चित रूप से सरकार जो है इस क्षेत्र में युवाओं का ग्रोथ तेजी से हो, युवाओं के बीच ही युवाओं का जो एनर्जी लेवल बढ़े, युवा अपना जो गांव का यूथ है, बहुत सारे युवा ऊर्जावान है, प्रतिभावान है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलता है। यहाँ भी देखिए ये नया गेम रहमपुर के पावन धरती पर जो हिंदुस्तान में नया गेम लॉन्च किया है आइन बॉल के नाम से, यहाँ देखिए कितने उत्साह के साथ यहाँ के यूथ इसमें भाग ले रहे हैं। और जो व्यवस्था होनी चाहिए सरकारी स्तर से, तो व्यवस्था हो नहीं पाती है, तो ग्रामीण लोग ही और स्थानीय नौजवान ही अपने प्रयास से, सहयोग से कुछ व्यवस्था करके और प्रयास करता है। जैसे कहिए कि धरती का सीना चीर के जो वीर होता है बाहर आता है, इसी तरह के नौजवान इस तरह के बताया जाता है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग गए हैं खेलने के लिए, यहाँ के युवा है, और कुछ ऐसे भी युवा है जो इसका पासपोर्ट सिर्फ नहीं बन पाया, इस वजह से नहीं जा पाया। सही बात है, यहाँ बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हमको पता चला यहाँ के एक नौजवान को विदेश जाना था, वर्ल्ड कप में खेलने के लिए जाना था, लेकिन यहाँ का जो कहिए प्रशासनिक व्यवस्था, उसका पासपोर्ट इशू नहीं हो सका, जिसके कारण नहीं जा सकता है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यहाँ ही एक नौजवान है हमारे भाई, देखिए वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, तो निश्चित रूप से सरकार इस ओर भी कोई ध्यान नहीं देती है, और जो नौजवान के अंदर जो जोश है, ऊर्जा है, उसके बल पर ये लोग बहुत प्रयास करता है, सरकार उस दिशा में नगर में रहती है हमेशा। आप राजनीति में भी काफी सक्रिय हैं, अगर खगड़िया की जनता, अगर खगड़िया विधानसभा की जनता अगर आपको मौका देता है, तो आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? निश्चित रूप से खगड़िया, अगर मौका हमें मिला, हमें तो पता होगा, मैं 10 साल तक नगर सभा शहर के चेयरमैन के पद पर रहा, और विभिन्न गेम के, जो भी फुटबॉल का, क्या हॉकी का, क्रिकेट का, सबके, कबड्डी का, सबका किट, तमाम खिलाड़ियों को किट, बॉट, बैट बॉल, जूता, ये सब हम उपलब्ध कराते रहे हमेशा। एक नया शुरुआत नगर में, जो कभी नहीं हुआ था, हमने शुरुआत किया और अब हमेशा मिलेगा वहाँ। इसी तरह अगर मौका मिला तो हर जगह गांव में भी ऐसी व्यवस्था। खेल से आपका पुराना नाता है, कहा जाता है कि आप भी खिलाड़ी रहे हैं, खुद भी फुटबॉल के खिलाड़ी रहे और हम शुरू से छात्र राजनीति से है, इसलिए मेरा हमेशा रुचि रहता है कि खिलाड़ियों के बीच रहे। आप सुन रहे थे मनोहर यादव को, जो खेल से इनका पुराना नाता है, और इनका कहना है कि अगर खगड़िया की जनता अगर इन्हें मौका दिया, युवाओं के लिए बहुत कुछ करने का तमन्ना है। धन्यवाद।